सो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सो गाइस देखो, बैकग्राउंड में जैसे कि आप लोग गेम प्ले देख रहे हो ना गाइस, देखो मैं जैसे डबल स्नाइपर चला रहा हूँ गाइस। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा एंड तक देखोगे तो गाइस आप भी इतना जल्दी डबल स्नाइपर चला पाओगे। और गाइस देखो, अभी के टाइम में ना जो स्नाइपर प्लेयर है उनका बहुत ही ज्यादा वैल्यू रहता है, क्योंकि गाइस देखो वन टैप तो अभी हर कोई बंदा मार पाता है, बट गाइस देखो स्नाइपर चलाना अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा टफ है। अगर गाइस आप लोग अच्छा खासा एक स्नाइपर प्लेयर हो जाओगे ना, तो गाइस आपका स्क्वाड में बहुत ही ज्यादा आपका डिमांड रहेगा यार। हर एक बंदा आप लोग को मतलब बुलाएगा कस्टम के लिए कि भाई आके हम लोग का कस्टम जिता दे, हम लोग के पास कोई स्नाइपर प्लेयर नहीं है। तो गाइस अगर आप लोग स्नाइपर सीख जाओगे तो गाइस आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, गाइस आप लोग को बहुत ही ज्यादा इज्जत मिलेगा। ऊपर से गाइस क्लैश स्क्वाड रैंक में भी गाइस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा, गाइस आप लोगों को कस्टम में भी हेल्प मिलेगा। तो गाइस आप लोगों को स्नाइपर सीखना है, सो गाइस देखो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना गाइस, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा कि गाइस कैसे आप लोग अच्छी तरीके से डबल स्नाइपर चला पाओगे। ऊपर से गाइस कैसे आप लोग मतलब सिंगल स्नाइपर को भी अच्छी तरीके से चला पाओगे, गाइस ए टू जेड में आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है, तो गाइस फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दो। आज की इस वीडियो का जो लाइक हम रखते हुए 7000 लाइक, गाइस फटाफट 7 के लाइक जरूर से करा देना। और चैनल पे अगर न्यू आ रहे हो, मेरा फेस पहली बार देख रहे हो, मेरा आवाज पहली बार सुन रहे हो ना, तो गाइस क्या कर रहे हो यार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। सो गाइस चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखो, गाइस मैं आप लोगों को बीच में एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो गाइस अगर आप लोग स्नाइपर प्लेयर हो ना, तो गाइस आप लोग का एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। मतलब आप लोग हर एक शॉट आप लोग का स्नाइपर से लगेगा, मतलब गाइस सोच रहे हो अगर आप लोग का एक्यूरेसी स्नाइपर पे अच्छा हुआ तो गाइस लिटरली मतलब 10 गोली मारोगे 10 में से तो 8-9 तो गाइस आप लोग का बॉडी शॉट में कनेक्ट होगा ही होगा, और हेड शॉट में भी कनेक्ट हो सकता है। तो गाइस देखो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो बताऊंगा आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, मैं आप लोग बताता हूँ। बट हाँ देखो, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोग अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद देखो होल्ड फायर टू स्कोप है ना, इसको गाइस आप लोगों को ऑन कर देना है। ये गाइस स्नाइपर में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ऊपर से गाइस सेंसिटिविटी आप लोगों को क्या रखना है, देखो गाइस नॉर्मल आप लोग जनरल रेड डॉट ये तो 100 रख सकते हो। ऊपर से गाइस देखो मेन जो है आपका जो स्नाइपर स्कोप है ना, स्नाइपर को गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ज्यादा 100 भी नहीं करना है, मतलब कम भी नहीं करना है, 50 भी नहीं करना है। ये गाइस आप लोगों को मिडिल पे रहना है, ज्यादा गाइस आप लोग पूरा एकदम अगर 100 कर दिए तो गाइस आप लोग थोड़ा सा रोटेट करोगे गाइस आपका जो स्कोप है ना वो बहुत ही ज्यादा रोटेट हो जाएगा और आप लोग इजीली नहीं मार पाओगे एनिमी को। और ज्यादा कम रखोगे तब तो गाइस मतलब घूमेगा ही नहीं। तो देखो गाइस आप लोगों को 70 रखना है, आप लोग अपना स्नाइपर स्कोप को गाइस 70 रख देना। और गाइस देखो जो जो स्नाइपर चलाते हो ना, मतलब सभी को ये प्रॉब्लम होता है, जो जो स्नाइपर लेते हो वो गाइस देखो आपका जो एम है ना वो गाइस नहीं दिखता है। तो गाइस बाकी सब गन में तो आप लोग का एम दिखेगा पर स्नाइपर में नहीं दिखता है। तो गाइस देखो आप लोग को मतलब एनिमी को पॉइंट आउट करके मारने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, आप लोग फायर करते हो बट एनिमी को गोली नहीं लगता है। अब देखो आप लोग क्या करना है, आप लोग फटाफट मतलब कस्टम एचयूडी में जाना है। फिर गाइस देखो पेट का जो ऑप्शन है ना, पेट का ऑप्शन को गाइस मतलब पेट के इमोट का ऑप्शन को गाइस आप लोगों को छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद एकदम मिडिल पे रख देना है, ठीक है, एकदम मिडिल पे आप लोग रख देना, मतलब जब जिधर आपका क्रॉसियर है उधर एकदम मिडिल पे आपका एम करके रख देना। फिर गाइस सिंपली सेव कर देना, इससे क्या होगा आपका जो पेट का बटन है वो गाइस एकदम मिडिल पे होगा, आपका जो एम है उधर ही रहेगा, तो आप लोग इजिली उसको मतलब देख के एनिमी को इजिली मार पाओगे। तो काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, तो इसको गाइस आप लोग जरूर से अप्लाई कर सकते हो। और गाइस देखो बहुत जन आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोग मतलब स्नाइपर जब भी आप लोग डबल स्नाइपर चला रहे हो ना तो क्विक वेपन स्विच को ऑन कर दो, बट गाइस देखो मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा क्विक वेपन स्विच, गाइस अगर आप लोग ऑन करोगे ना तो गाइस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। उससे अच्छा गाइस देखो मैं आप लोगों को एक इजी सा वे बता देता हूं आप लोग डबल स्नाइपर को अच्छी तरीके से कैसे चला पाओगे। सिंपली गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लेफ्ट फायर बटन को ऑन कर देना है। लेफ्ट फायर बटन को ऑन करके लेफ्ट में गाइस आप लोग कोई भी अभी अपना मनपसंद जगह पे रख सकते हो। फिर गाइस आप लोगों को जो स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप बोलूंगा उसको गाइस आप लोगों को एकदम फास्ट फर्स्ट करना है, और गाइस आप लोग का डबल स्नाइपर एकदम ओपी तरीके से चलेगा। फर्स्ट नंबर जो स्टेप है वो है आप लोगों को स्कोप करना है, ठीक है गाइस आप लोगों को स्कोप करना है। उसके बाद लेफ्ट फायर बटन से आप लोगों को फायर करना है। फिर गाइस आप लोग गन स्विच करना है, ठीक है, ये गन स्विच गाइस आप लोग अलग से बटन से मत करना, नॉर्मल ऊपर जैसे गन का बॉक्स होता है उधर से गाइस आप लोग स्विच करना। और ऐसा करते करते गाइस आप लोग देखना गाइस आप लोगों का गन स्विच जो है वो डबल AWM से काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये 3 स्टेप गाइस आप लोगों को जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट नंबर पे पहला आप लोगों को क्या करना है, पहला गाइस आप लोगों को स्कोप करना है। फिर गाइस आप लोगों को लेफ्ट फायर बटन से गाइस आप लोगों को फायर करना है, तुरंत गाइस आप लोगों को स्विच कर देना है। फिर वापस से गाइस सेम करना है स्कोप फायर स्विच, गाइस यही आप लोगों को करना है, गाइस आप लोगों का AWM काफी ज्यादा अच्छा चलेगा। और ये गाइस मैं बोल दिया आप लोग कर लिया ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अगर गाइस आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो गाइस आप लोग बहुत ही जल्द एकदम ओपी वाला मतलब AWM स्विच करके मार पाओगे। और गाइस देखो अगर आप लोग सिंगल स्नाइपर चलाते हो ना तो तब गाइस आप लोग क्या करना है, ताकि गाइस आप लोग का रीलोड जो है वो नहीं होगा गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं। गाइस देखो आप लोग एक मतलब सिंगल स्नाइपर अगर आप लोग चला रहे हो तो एक स्नाइपर का शॉट मारना
उसके बाद तुरंत गाइस आप लोग ब्लू वॉल लगा सकते हो, या फिर गाइस मतलब स्नाइपर का गन को छोड़ के थोड़ा भाग के गन स्विच करके फिर से आप लोग स्नाइपर लेके मार सकते हो। तो ऐसा कर करके कर सकते हो, वरना गाइस देखो जब भी मैं मतलब सिंगल स्नाइपर लेता हूं ना तो उसके साथ गाइस देखो मैं हुड पे कर लेता हूं। अब गाइस देखो क्या एडवांटेज होता है, एक स्नाइपर से गाइस मैं 150 मारता हूं, 150 मारने के बाद तुरंत से गाइस गन स्विच करके हुड पे कर लेता हूं, उससे गाइस एक शॉट मारता बंदा नॉक हो जाता है। तो गाइस काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रेटजी है अगर आप लोग सीएस रैंक खेल लो या फिर कस्टम खेल लो, तो गाइस ये स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हो भाई, बहुत ही ज्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोग क्या करना है, स्नाइपर से पहले 150 दे देना है, 150 170 जो भी आप लोगों का लगेगा, उसके साथ गाइस आप लोगों को फटाफट गन स्विच करके एक वुड पे कट का शॉट कनेक्ट कर देना, बंदा ऐसे ही नॉक हो जाएगा और तुरंत गाइस मतलब बंदा सोच भी नहीं पाएगा कि इतना जल्दी वो कैसे नॉक हो गया। तो गाइस बाय चांस अगर आप लोगों को मतलब डबल स्नाइपर चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इस टेक्निक का यूज कर सकते हो, मतलब ये सब्स्टिट्यूट है। अगर डबल स्नाइपर चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक सिंगल स्नाइपर ले लो, उसके साथ एक वुड पे कट ले लो। और गाइस देखो पहले के टाइम में अगर मतलब 2-3 साल पहले बोलूं तो पहले मतलब AWM बहुत ही ज्यादा अच्छा चलता था, मतलब सभी बंदे बहुत ही ज्यादा अच्छा चलाते थे, मतलब रीलोड नहीं होता था। बट अभी के टाइम में गाइस आपको तो पता ही है एक इनविजिबल रीलोड टाइप का आ चुका है, तो गाइस आप लोग उतना भी जल्दी नहीं चला पाओगे, थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा, तो यही प्रॉब्लम है। और गाइस तो मैं आप लोग को और एक चीज भी बता देता हूँ, गाइस देखो अगर आप लोग स्नाइपर एकदम सीरियस स्नाइपर प्लेयर होना चाहते हो ना, तब गाइस आप लोग को 3 फिंगर में या फिर 4 फिंगर में स्विच होना पड़ेगा गाइस, मतलब 2 फिंगर से आप लोग स्नाइपर उतना भी तेजी से नहीं चला पाओगे यार, ये गाइस एक फैक्ट है। गाइस आप लोग 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर में शिफ्ट हो जाओ गाइस देखो पहले पहले तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट गाइस देखो धीरे धीरे गाइस आप लोगों का जो AWM का स्विचिंग है ना काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। 3 फिंगर से आप लोग क्या कर पाओगे, 1 फिंगर से आप लोग फायर कर पाओगे, लेफ्ट फिंगर से आप लोग फायर कर पाओगे, फिर राइट फिंगर से गाइस आप लोग स्कोप करके इजीली मार पाओगे। तो गाइस 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर में शिफ्ट हो जाओ। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर के ऊपर वीडियो लाऊं कि कैसा कस्टम एचयूडी आप लोगों को करना है, उसके ऊपर गाइस अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में भी जरूर से बता देना। सो गाइस चलो अभी बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कौन सा कैटा कॉम्बिनेशन लेना है। जो कैटा कॉम्बिनेशन अगर आप लोग यूज करोगे तो गाइस आप लोगों का एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा स्नाइपर में। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोगों को स्काइलर रखना है, उसके साथ गाइस आप लोगों को लौड़ा कैरेक्टर रखना है। ये लौड़ा कैरेक्टर जब भी आप लोग लोगे ना तो आपका एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा जब भी गाइस आप लोग स्कोप ओपन करोगे। उसके साथ गाइस आप लोग को रेफिल रखना है, क्योंकि गाइस देखो कोई भी बंदे को अगर आप लोग नॉक करोगे तो गाइस 3-4 सेकंड के अंदर वो ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा। उसके साथ गाइस आप लोग को लास्ट में मारो कैरेक्टर रखना है, ठीक है। अब मारो कैरेक्टर गाइस जब भी आप लोग रखोगे ना तो गाइस लॉन्ग रेंज में गाइस आप लोग का डैमेज काफी ज्यादा मतलब ज्यादा हो जाएगा AWM में। अब AWM लेके तो गाइस आप लोग शॉर्ट रेंज में नहीं खेलोगे, ज्यादातर गाइस आप लोग लॉन्ग रेंज में खेलोगे। और इस कैरेक्टर की एबिलिटी वही है, जितना ज्यादा गाइस आप लोग लॉन्ग रेंज में होगे उतना ही ज्यादा गाइस आप लोग को डैमेज ज्यादा देगा, मतलब जब भी आप लोग फायर करोगे ना तो एनिमी के ऊपर ज्यादा डैमेज आएगा। तो ये कैटा कॉम्बिनेशन गाइस आप लोग रख सकते हो, आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। और स्काइलर मैंने इसीलिए ही बोला क्योंकि गाइस देखो कोई भी बंदे को अगर आप लोग डैमेज दोगे AWM से और वो अगर ग्लू लगा दिया ना तो फटाफट गाइस आप लोग स्काइलर का एबिलिटी मतलब यूज करके ग्लू वॉल तोड़ के एनिमी को इजीली मार सकते हो AWM से, तो इसी वजह से मैंने स्काइलर बोला। और गाइस देखो बाय द वे गाइस अगर आप लोग को वीडियो चाहिए कि आप लोग सिंगल स्नाइपर लेके कैसे गाइस आप लोग एकदम फटाफट एनिमी को मार सकते हो विदाउट रीलोड करके, उस टॉपिक पे गाइस अगर आप लोग वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से एक बार बता देना, मैं फटाफट उस टॉपिक में वीडियो ला दूंगा। और जो लाइक है मैं 7000 लाइक्स वो भी जरूर से आप लोग कंप्लीट कर देना। और यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स गाइस आप लोग जरूर से ट्रेनिंग में जाकर प्रैक्टिस करना, गाइस आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी जरूर से ऑन कर देना, अपने हर एक दोस्त के साथ प्लीज शेयर कर दो। और मेरे को गाइस अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया ना तो गाइस जाओ यार फटाफट मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो। और गाइस देखो अगर आप लोगों को सीएस रैंक के लिए कुछ बेस्ट कैटा कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है ना तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोगों को क्लैश स्क्वाड रैंक में रैंडम प्लेयर के साथ खेल के जीतना है तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।